इन कार्यक्रम में मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया है और हिंदुस्तान के मां भी लक्षण जो है वो ठीक को नहीं। मैं एक 3 दिनांगे शोध में एक ही बात पर पुग गया हूं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक एक वायरस जिको कोरोना को धर्म भाई भी मैं कह सकू वो भी सागे सागे वो चालन लाग रही है, इनको संवाहक जो है वो बढ़ सके इसी उम्मीद करी जा सके, इसका खतरा जो है वो भांपया जा सके। कोरोना वायरस के इन धर्म भाई को नाम है जक, जिके लोगों ने जक नहीं पढ़े है वे लोग इन बहुत तकड़ा संवाहक हो सके। इन बात खातर आज कोरोना वायरस पर तो आप चर्चा करा ही करांगा, इन जक वायरस की भी चर्चा करांगा। जक राजस्थानी को शब्द है जिके ने हिंदी के माँ आप कह सकें जिके ने एक जगह टिकाव नहीं आवे, जिके ने एक जगह चैन ना ही पड़े। जक वायरस बहुत खतरनाक है और कोरोना वायरस ने आगू आगे लेके जाने को बहुत ही सस्त और सुलभ जो है वो साधन हो सके। इन बात खातर इनका सारा पहली पोत आज कोरोना वायरस के सागे सागे जक वायरस का लक्षण के वह वहां पर आप चर्चा करांगा, इनको इलाज के वहां पर आप चर्चा करांगा, बिन पर अंकुश लगाने खातर सरकारी निजी तौर पर आप के कर सका इन पर भी जो है वो आप चर्चा करांगा। वो वायरस जो जक वायरस है वो गाँव के लोगों के ज्यादा जो है वो है, जका गाँव का डेढ़ सियाणा है, जका सिर्फ आपके माखर दुनिया देखे। यानी राजस्थानी में कहावत है कि बोड़ो सज्जन दुश्मन ना ज्यादा खतरनाक हुए, बे बोड़ा बाड़ा लोग जका आपने इं मानिए चले कि थारे की कोनी बात खतर और की कोनी हो सके। इन्हीं वैज्ञानिक बात कोनी समझण लाग रहा, इन्हीं आपात स्थिति ने कोनी समझण लाग रहा, इन्हें दुनिया में संदर्भ कोनी समझण लाग रहा, जका लोग ई कोरोना वायरस ने जो है वो इं कोनी समझण लाग रहा कि आ एक महामारी है, यूं गाँव का गाँव जो है वो खाली हो सके। इसे के माँ जक वायरस अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो सके। गाँव के लोगों ने जका ने जक नहीं पड़न लाग रही है, बांगा लक्षण है कि भाई बारी बारी त्रेणा माखर देख के आवे, बारी बारी घरेऊँ जावे पाछा आ जावे, जिया अंगायो गंड को फिरे करे बिया पे सार दिन फिरता रहे, बंगो जी करे के भाजगे जाके मैं 5-7 लोगों के साथ गल्ला मारी आऊं, बंगे बिचाले जाके कड़ी पी आऊं, बंगे बिचाले जाके थूक लगा लगा के ताश बांटी आऊं, बेमतलब वो काम में गेड़ो काटी आऊं, इं देख आऊं कि भाई बारह कुण कुण फिरन लाग रहे। ए जक का प्राथमिक लक्षण है। जक जके लोगों ने नहीं पढ़े है बंगे सागे और भी कई तरीके की टेस्टियां हैं। बा मैं सारा मोटो एक स्वार्थी आदमी है जिके ने भी जक कौन पढ़ने लाग रही, कई जकगा इन तरीके का मरीज भी है जका इं सोचा भाई वो तो दुनिया खतर है तेरे खतर थोड़ी है, बे लोग इन मानसिकता का भी शिकार है भाई आपा तो सिर्फ दूसरे की मोकान खातर दाह संस्कार खातर जा मेड़ा, आपा तो इं खारक उछाड़ांगा चढ़ चढ़ मखाणा ने जो रगड़ता जो वो चाल बोकरांगा, आपा तो दुनिया की मोकान जान खातर पैदा हुआ, अपनी मोकान कोई थोड़ी आवे। मैं इन बात खातर बहुत गंभीरता के सागा चर्चा करने लाग रही हूं। ओ जो कोरोना वायरस आए हुए इन पैरलर जो इनो धर्म भाई जक वायरस है वो गाँव ने जो है वो खिल्ली जन हित के मां देश हित के मां मानवता के खातर
वो कार्यक्रम जो है वो मैं अठे प्रस्तुत करन लाग रहे हूँ। ये कार्यक्रम ने थे ज़्यादा से ज़्यादा देखोगा दिखाओगा लोगों तक लेके जाओगा, ये गंभीरता ने समझोगा, आप आपके गांव में मोहल्ले में कस्बे में घर गए माँ रिश्तेदारा ने भाई बेलिया ने फोन करके भी आप बात बताओगा कि भाई घरे रहो, 31 तारीख तक तो शट डाउन है ही है, लॉकडाउन जो है वो है ही है, आज पूरे देश की सारी चीज़ें बंद है, वो मतलब है कि बहुत बड़ो खतरो है, आप छाणा लोग बैठा है जिका चुंतरिया पर बैठे लोग एक दूसरे ने मास्क लगा के दूर जाता देखे वह लोग यहाँ समझे ताना मारे, गांव में अगर कोई अकाल मौत भी कठी होगी हुए कोई चलतो भी रह गया हुआ तो बिना समाज की परंपरा को निर्वाह करने खातर के मारे तो भाई मरिया और वो आयो ही कोनी, इया करके दिखावे खातर भी कोनी जानो, लुगाइयां रात ने जागण लगान लाग रही है, लुगाइयां जो है वो गर्गी समाज की और की बेड़ी हो गए जो है वो लुगाइयां जी रात माओ सी बिंगा जागण लगाई जे पितर जी का बिंगो HOW ने भी बेरो कोनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बेरो कोनी, गांव में ओरणगे बड़गे बीरो कोनी, दूर रहो दूरी बनाए रखो साफ सफाई को ध्यान रखो और वो जो जक वायरस जो थारे माँ है इन मारने की कोशिश करो, जक पड़ेगी जद ही जो है वो वायरस कोरोना जो है वो खत्म हो सी। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर जे आप इन चीजें को कानून की पालना अपन करनी चाहिए नहीं करी तो आप अगली पीढ़ियों के लिए भी बहुत खतरों जो है वो साबित हो सका। निश्चित तौर से कार्यक्रम पसंद आयो होगो, एक नई बात ही और इन त्यागों आगे जो है वो राजस्थानी गाज का लोग मेरी भाषा ने समझने लग रहे आगे फैलावेगा।